आंटी वहां पे क्या कर रही है देखो। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो गाइस आज हम तो आप सोच रहे होगे ये कैसे आ गया बीच में, तो मैं कुछ काम की वजह से गांव आया हुआ हूँ, जिसको बोल दिया कि इंट्रो शूट करने के लिए कर दिया। तो वैसे आज अब हम जाएंगे, एक हमारा एक सामान आने वाला है तो हमारे भाई के पास है, वो आ चुका है, वो हमारे भाई के पास है। अभी हम भाई को कॉल किए थे तो भाई को पूछे थे कहाँ ले कर देगा, तो उनके गाँव के पास एक पार्क है, न्यू नहीं खुला नहीं है, खुलेगा तो हम वहाँ जाएंगे। तो सोचा हम हमारा सामान, पर भाई ने किया बोला कि वहाँ पे न्यू मतलब पार्क खुला है, वो भी एक्सप्लोर कर देना। तो आप देखो चलो डायरेक्ट हम पार्क के पास मिलते हैं। तो अभी हम यहाँ पे गाड़ी हमारा पार्क कर चुके हैं, अभी अंदर चलेंगे, भाई को खोजेंगे, भाई कहाँ पे है। चलो तो अभी हमने भाई को कॉल किया था, भाई बोल रहा है उस साइड बैठा है, तो अभी चलते हैं उसके पास, हमारा जो सामान है लेते हैं। 5 minutes later भाई यहाँ पे अंदर बैठे हैं, जो हमारा सामान आने वाला था आ चुका है, आप देख सकते हो क्या है। मतलब कि अभी देखो जो अभी लगा है, मतलब टाइपोड में ही लगाए हैं हम, एक खम्बा जैसा है उसमें लगाए हैं। तो अभी मतलब कि यहाँ पे दिखाएंगे जैसे कि ये पार्क, मतलब कि जैसे कि मतलब जो हमारे देश के लिए शहीद जो सब हुए थे उनकी वजह, मतलब कि उनका जो मतलब कि जो स्टैचू ये सब है। तो अभी हम देखो इस साइड ये सब स्टैचू ये सब है, देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे जो गाइड बैठे हैं और उनके पीछे हमारे जो भाई, हमारा जो बड़ा हेल्प कर दिए। और इस साइड ये सब पार्क बहुत बड़ा सा है, बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा है। तो अभी हम जाएंगे स्टैचू के पास, दिखाएंगे जो सब है। तो चलो हमारे साथ अभी, मतलब कि ये देख सकते हो जो हमारे गोपबंधु हैं। तो अभी बैक कैमरे में अच्छे से दिखाता हूँ जितना सारा स्टैचू है, दिखाते हैं सबको बैक कि यहाँ पे जो भी स्टैचू है, जो सब हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं वो सब स्टैचू है, देख सकते हो। मैं एक एक करके दिखाता हूँ सबका। तो अभी ऊपर चलते हैं, वहाँ पे गांधी जी हैं सबसे आगे। तो यहाँ पे गांधी जी हैं, जो इनको तो सब पहचानते हैं कौन है ये। तो भाई जा रहा है उनको बोल दे आज तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल दे उनको। तो देखो यहाँ पे किस किस का है। आपको ये कटप्पा जैसे लग रहे हैं मुझे, ये कटप्पा ये कटप्पा है। तो अभी देखे यहाँ पे, तो अभी चलते हैं इस साइड, इस साइड क्या सब है देखते हैं। हमें बुलाए थे हमारा सामान देने, ये देखो किधर लेके आ गए। तो वो आए हैं, उनके साथ एक गाइड लेके आए हैं जग्गू भाई। तो यहाँ पे देखो ये कैसा है, डोंगे में पानी भी घुस चुका है। भाई इनके बारे में कुछ पता है तुम्हें? वो हमको पता है, मतलब इनके बारे में कुछ, इसीलिए यहाँ पे बनाया है ना, मतलब कि ये पार्क में जैसे कि हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उसी के बारे में ये पार्क ज्यादा है, दिख रहा है मुझे। तो यहाँ पे देखो गांधी जी और गांधी जी के तीन बंदर, एक को सुनाई नहीं देता, एक को दिखाई नहीं देता, एक को बोलना नहीं आता।
गांधी जी बैठे हैं। हम लोग इतने पागल थे कि मतलब कि हमें आगे से शूट करना चाहिए था, हम पीछे से पहले आरंभ कर रहे हैं। तो यहाँ पे मतलब कि जो है मेन गेट इस तरफ, मतलब मेन गेट है, तो हम पीछे से ही आए थे। अभी वो बना नहीं है, बन रहा है, तो जब अच्छे से बन जाएगा और एक बार आएंगे। अभी देख लो जो बना है, जब अच्छे से बन जाएगा और एक बार आ जाएंगे। तो अभी देखो, तो मेन गेट ये है, ये बना नहीं है इसीलिए उस तरफ से सब आ रहे हैं। अभी जाएंगे जिसके लिए, मतलब कि जिसके नाम से बना है, दिखाएंगे। मतलब कि उनका गांव यहीं पे था, वो मतलब शहीद हो गए थे, इसीलिए मतलब कि यहाँ पे जो शहीद हुए हैं उनका सब फोटो सब लगा है। तो अभी दिखाते हैं नाम क्या है। तो वो जो है वहाँ पे उनका, देख सकते हो वहाँ पे वो ये थे, और यहाँ पे वो नाम लिखा है। अभी अच्छे से नहीं लिखा है, अभी बन रहा है, देख लो। अभी चलते हैं उधर, मतलब कि बहुत बड़ा है, देख सकते हो यहाँ पे, उधर और भी बन रहा है। जब बन जाएगा हम और एक बार आएंगे। भाई हमारे गाइड को दिखा देते हैं, हमारे गाइड जो उनका घर यहीं पे पास में ही है। भाई तुम बताओ कुछ पार्क के बारे में। मेरे को मालूम नहीं है कुछ, मैं आज नया आया। मतलब तुम्हारा गांव तो यही है ना? मैं बाहर भाग गया था, इधर नहीं था। किधर? बाहर भाग गया। बाहर मतलब किधर? उधर रह रहा था। उधर मतलब किधर? नाम तो होगा ना, बेंगलोर में था मैं। बेंगलोर में था। हिंदी बोलने में कुछ तकलीफ होता है तो ओडिया में भी बोल दो। हमारे तो सब्सक्राइबर ओडिया भी सबको पता है। नहीं, हिंदी हमको बराबर से मालूम है। मालूम है ना। वो यहाँ पे क्या है देख सकते हो, हमारे गाइड को पूछते हैं ये क्या है, बताते हैं क्या है। भाई मतलब कि ये क्या होगा? ये शायद स्टैचू रहेगा इसके अंदर। इसके अंदर म्यूजियम टाइप का होकर रहेगा शायद से। मतलब कि कब तक बन जाएगा ये पूरा पार्क, और कितना दिन लगेगा, कितना टाइम लगेगा? मालूम नहीं है, फिर भी टाइम लगेगा। फिर भी को टाइम कितना? एक साल देखते हैं हम, जब बन जाएगा और एक बार आएंगे। मतलब कि कितना अंदर है देखो, मतलब जंगल है, जंगल को बना रहे हैं। अभी यहाँ पे चलते हैं जो बच्चे, कितना देखो पार्क बना नहीं है, कितना क्राउड है। तो अभी चलते हैं, देख सकते हो मतलब कि कितना है, मैं दिखाता हूँ। हमारे गाइड दोनों आगे जा रहे हैं। तो आगे चल के स्विमिंग पूल है, दिखाते हैं वहाँ। चलो सनसेट देख सकते हो, जा रहा है, हमें देखने को मिल गया। तो मतलब कि ये बन रहा है, बना नहीं है। देखो वो सब जो देख रहे हो गांव है, वो सब अभी अच्छे से बन जाएगा। तो वो दोनों चले गए फ़ोटो उठाने, तो अभी मैं भी उठाता हूँ फ़ोटो। तो अभी मैं फ़ोटो उठाता हूँ, आप यहाँ का थोड़ा नज़ारा देखो। यहाँ पे जिम करने का भी है, जो सुबह सुबह आते हैं जॉगिंग के लिए, ये सब है। जो गाइड हैं वो बोल रहे हैं कि इसमें बैठने के लिए नहीं, वो छोटे बच्चों के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं। हमारे लिए भी बनेगा इसे। बनेगा तुम्हारे लिए, तुम इसमें खेलोगे? वहाँ पे देखो बच्चे खेलने के लिए, वो आंटी वहाँ पे क्या कर रही है देखो, दोनों आंटी खेल रही है। और हमारा और बंदा देखो यहाँ पे, ये भी क्या कर रहा है, टूट जाएगा बे भाई। तो आपने जैसे देखा कि हमने पूरा पार्क आपको दिखाया, कुछ बचा होगा पर अभी बना नहीं है, बन जाएगा तो अच्छे से और एक बार आएंगे। अभी हम बस आए थे, हमारा जो हमारा सामान आया था उसको लेने आए थे भाई, तो वहीं पे पार्क में ही था, हमारा कुछ प्लान नहीं था, तो आए पार्क भी घूम लिए, अच्छा लगा। तो अभी हम शाम भी हो गया है, घर को चलते हैं। तो आपको घर जाएंगे भाई? हाँ भाग जाओ, बहुत दूर है ना तुम्हारा। हाँ हमारा तो बहुत टाइम लगेगा, तुम्हारा तो यहीं पे पास में है।
तो अभी हम चलते हैं, भाग जाएंगे इसे। रात को जाएंगे 9 बजे। ओ आप तो चलो, अभी हमारे हम चले जाएंगे तो यहाँ तक तो हाँ कल आएंगे, कल आएंगे। तो वीडियो देखे तो यहाँ तक तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना भाई। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते भाई, न्यू हो तो सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। अभी जल्दी हमारा 500 होने वाला है, तो आप कर दो भाई जल्दी जल्दी से 500। उसके बाद टारगेट रखेंगे 1K। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए और एक ब्लॉग नहीं आ रहा है, तो इसको एंजॉय करते रहो। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।